मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। बच्चों, आज हम एक मजेदार स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी का नेम है निराली पोशाक। देखते हैं गोल मटोल राम कैसे अपनी निराली पोशाक में राजकुमारी की शादी में पहुंचते हैं। गोल मटोल राम वॉज अ बिग मैन। वह किसी देश का सबसे लंबा चौड़ा आदमी था। वह इतना लंबा था कि कोकोनट ट्री भी उसके सामने छोटा दिखता था और वह इतना ब्रॉड था कि बैनियन ट्री भी उसके सामने पतला दिखता था। उसका काम था पैलेस को क्लीन करना। उसे महल की साफ सफाई करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, पूरे राज्य में एक अनाउंसमेंट हुआ। सुनो सुनो सुनो, कल राजकुमारी की शादी है। ऑल द पीपल आर इनवाइटेड टू द मैरिज। राज्य के सभी लोग शादी में जरूर आना। गोल मटोल राम ने सोचा, वाह, राजकुमारी की शादी हो रही है, कितना स्पेशल ओकेजन है। मैं तो जरूर जाऊंगा। मैरिज में जाने के लिए तो मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। आई मस्ट हैव सम न्यू क्लोथ्स। सबसे पहले मैं अपने लिए एक अच्छी सी हैट खरीद लेता हूँ। गोल मटोल राम हैट की शॉप पर पहुंच गया। शॉपकीपर की हेल्प से उसने डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स की हैट्स ट्राई की, लेकिन उसे कोई भी हैट फिट नहीं हुई। बड़े से गोल मटोल राम के लिए सभी हैट्स स्मॉल थी। उसने सोचा, हैट तो मिली नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल बाय न्यू शूज। ला 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 ला। झूमता हुआ गोल मटोल राम शूज की शॉप पर पहुंच गया। शॉपकीपर ने कहा, मिस्टर गोल मटोल राम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं राजकुमारी की मैरिज में जा रहा हूँ, सोचा अपने लिए नए जूते खरीद लूँ। गोल मटोल राम ने शॉप के सभी शूज ट्राई किए, लेकिन हुआ क्या, टाई टाई फेस। शॉप के सभी शूज गोल मटोल राम को स्मॉल थे। अब गोल मटोल राम थोड़ा सैड हो गया। फिर भी शॉपकीपर को थैंक यू बोलकर वह क्लोथ्स की शॉप पर गया। क्लोथ्स की शॉप पर उसने रेशमी शर्ट्स, चौड़े पजामे और पैंट्स सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कोई भी ड्रेस उसे फिट नहीं हुई। सब के सब उसे स्मॉल थी। शॉपकीपर ने सुझाव दिया, मिस्टर गोल मटोल राम, व्हाई डोंट यू गो टू द टेलर? अब टेलर के पास क्यों नहीं जाते? He will stitch new clothes for you. Now, Gol Matol Ram went to the tailor. Tailor नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। हुआ क्या? सीढ़ी Gol Matol Ram के घुटने तक ही पहुंची। The tailor said, अरे ये क्या, मैं तो आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर गोल मटोल राम, मैं आपके कपड़े नहीं सिल पाऊंगा। सैड होकर गोल मटोल राम एक जगह बैठ गया।
तभी टोकरी वाला कई तरह की बास्केट्स लिए वहां से गुजरा। स्टॉप स्टॉप, गोल मटोल राम चिल्लाया। प्लीज गिव मी अ बिग बास्केट। टोकरी वाले ने एक बिग राउंड एंड ब्यूटीफुल बास्केट उसे छांट कर दे दी। बास्केट को सिर पर रखकर गोल मटोल राम ने कहा, आहा, ये बन गई मेरी हैट। ला 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 ला। अब गोल मटोल राम ने नदी के किनारे नाव वालों को देखा। उनके पास जाकर बोला, प्लीज गिव मी टू बोट्स। आप मुझे अपनी दो नाव बेच दीजिए। उसने अपने पैरों में एक एक बोट पहन ली। अरे वाह, ये बन गए मेरे न्यू शूज। ला 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 ला। अब उसे जरूरत थी न्यू क्लोथ्स की। तभी उसने पंडाल बाबा को देखा। वह कलरफुल टेंट्स लगा रहे थे। आहा, क्या मैं आपका एक टेंट ले सकता हूँ? उसने कहा। पंडाल बाबा ने कहा, क्यों नहीं गोल मटोल राम, यह लो कलरफुल टेंट। गोल मटोल राम ने उस टेंट को खुशी खुशी पहन लिया। अरे वाह, ये हो गई मेरी कलरफुल ड्रेस। कलरफुल बास्केट, बोट्स और टेंट पहनकर गोल मटोल राम की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इस निराली पोशाक में राजकुमारी की शादी का सबसे कलरफुल मेहमान गोल मटोल राम तैयार हो गया था। ला 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 ला। बच्चों, क्या आपने भी कभी किसी निराली पोशाक वाले को देखा है? इसके बारे में अपनी टीचर से चर्चा करें। ला 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 ला।